यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 और उसके वचन 66 से हम पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना चले, इसके बाद उसके साथ नहीं चले। ओके, लिखा यहां पर है कि इसके बाद प्रभु यीशु के कई चेले, कुछ नहीं लिखा यहां पर, लिखा यहां पर ओके वर्डिंग के ऊपर ध्यान दें, एक एक शब्द जो यहां पर है इसके ऊपर ध्यान दें। लिखा यहां पर कि बहुत से चेले, बहुत से। अब यहां पर हुआ क्या है, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूं ताकि हमारे लिए जो वचन है इसे समझना क्लियर हो जाए। हुआ यह है कि प्रभु यीशु, ये जो चैप्टर 6 है, जब आप पीछे पीछे चलकर पढ़ेंगे तो अध्याय 6 की शुरुआत में ही हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु 5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। 5000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। ये एक अद्भुत चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार था। इम्पॉसिबल को प्रभु यीशु ने पॉसिबल किया था, जो काम कभी नहीं हो सकता था वो काम प्रभु यीशु ने करके दिखाया था। तो जब ये 5000 लोगों को खाना खिलाया है, इसके बाद प्रभु यीशु उस जगह को छोड़कर एक दूसरी जगह चले आए हैं। और जब प्रभु यीशु दूसरी जगह चले आए तो वो लोग जिन्होंने फ्री का खाना खाया था, फ्री का भंडारा शका था, वो सब लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे एक नई जगह पर जहां प्रभु यीशु आए हैं उसके पीछे पीछे आ गए हैं। ओके, सोच कर देखें, इन्होंने फ्री का वहां पर खाना खाया है और अब अच्छा लग रहा है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त में कोई गाड़ी बंगला बनाने की जरूरत नहीं होती थी। उस वक्त लोगों की मेन कंसर्न थी कि भाई खाना मिलना चाहिए, तो खाना इनको प्रभु यीशु ने फ्री में दे दिया और इन लोगों को अच्छा लगा कि ये काम तो सही है, प्रभु के साथ चलते रहो, खाना वाना मिलता रहेगा, इंजॉय करो लाइफ को, मेहनत वगैरह करने की, काम वगैरह करने की क्या जरूरत है, खाना चाहिए, खाना मिल रहा है आराम से। तो ये लोग प्रभु यीशु के पीछे दरिया को पार करके चले आए। जब आप यहां पीछे आकर पढ़ोगे तो मैं सारा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। ओके, मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा वचन 6:22, अध्याय 6 में ही हम जा रहेंगे। 22 में लिखा है कि दूसरे दिन उस भीड़ ने, कौन सी भीड़, जिसने खाना खाया था, वो 5000 की भीड़, उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, वो झील के दूसरे पार खड़ी थी, ये देखा कि यहां एक को छोड़ और कोई नाव नहीं है और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। जब अन्य नावें तिबरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी, इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु है ना उसके चेले हैं, तो वह भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम तक आ पहुंचे हैं। ओके, तो ये जो भीड़ है, ये जो बड़ा झुंड है जिन्होंने अभी खाना खाया है, 5000 का झुंड, इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु भी यहां पर नहीं है, उसके चेले भी नहीं है, इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु चले गए हैं कफरनहूम में, तो ये लोग भी, इन्होंने भी अपनी बेड़ियां पकड़ी, अपनी कश्तियां ली और चल दिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए तो ये कारण क्या था, क्यों प्रभु यीशु के पीछे आ रहे थे, वचन आगे लिखा है 25 में लिखा है, झील के पार, देखो इनकी मेहनत देखो कितनी है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बेड़ी से नाव से चढ़कर जा रहे हैं, ये सारी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है, कि फ्री का खाना मिल जाए बस। ओके, वचन 25 में लिखा है, झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, ये प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह से मिले हैं, आते ही ये प्रभु यीशु मसीह के पास बातें करने लगे, क्या कहने लगे, हे रब्बी, तू यहां कब आया, कि तूने हमें बताया नहीं कि मैं उधर जा रहा हूं, मैं दूसरे नए शहर जा रहा हूं, हमें बताकर नहीं गया, तू कब यहां पर आ गया। तो प्रभु यीशु, जो कि ख्यालों को जानने वाले, इरादों को जानने वाले, हमारे विचारों को जानने वाले हैं कि हम क्या सोचते हैं, किस इरादे के साथ मसीह यीशु के पास आते हैं, उसको सब पता है, ही नोज एवरीथिंग। क्यों उसे सब पता है, क्योंकि वो खुदा है, ही इज ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट मतलब जो सब कुछ को जानने वाला है, प्रभु यीशु को पता था। तो प्रभु यीशु ने क्या जवाब देते हैं, वचन 26 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया इस बड़ी भीड़ को कि सुनो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए थे। तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि मैंने तुम्हें खाना दिया है, तुम्हें वो भंडारा खिलाया है, इस कारण तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, उस चमत्कार के कारण नहीं,
चमत्कार के कारण, मतलब प्रभु यीशु के कहने का ये था कि मैंने चमत्कार किया और तुमने मेरे पर विश्वास कर लिया। नहीं, मेरे पर विश्वास की कोई बात नहीं है, इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम्हें बस परवाह है अपने पेट की और अब तुम्हें खाना मिल रहा है, इसी कारण तुम मेरे पीछे पीछे आ गए हो कि ऐसा होता रहेगा, ऐसा हमें मिलता रहेगा। प्रभु यीशु जानते हैं और उन्हें यही जवाब दे रहे हैं कि तुमने इस कारण नहीं कि तुमने आश्चर्य काम देखे, वो अद्भुत काम देखे और मेरे पर विश्वास किया, नहीं, वो बोले कि परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए थे, तुम्हारे पेट भर गए थे, इस कारण तुम मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो। और आज बहुत सारे मसीह प्रभु यीशु जो चीजें देते हैं, प्रभु यीशु जो आशीषें दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को लेने के लिए प्रभु यीशु के पीछे लगे हुए हैं। वो प्रभु यीशु की चीजों को तो चाहते हैं, वो बरकतें, वो आशीषें जो प्रभु यीशु दे रहे हैं उन्हें तो चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु को नहीं चाहते हैं, वो यीशु को नहीं चाहते हैं। और प्रभु यीशु की सबसे बड़ी कंसर्न यही थी कि तुम मेरे पीछे पीछे तो आ रहे हो, मेरे कारण नहीं, मुझे मानने के लिए नहीं, मेरे चेले बनने के लिए नहीं, लेकिन वो चीजें जो मैं दे रहा हूं, वो फ्री का खाना जो मैं तुम्हें खिला रहा हूं, तुम बस उसी के लिए भाग रहे हो। और फिर प्रभु यीशु क्या कहते हैं, और ये मैसेज मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बड़ा जरूरी है। प्रभु यीशु जो बात कहते हैं, प्रभु कहते हैं वचन 27 में, इसलिए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, ये भोजन जो एक दिन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, इसके लिए मेहनत ना करो, वरन किसके लिए मेहनत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जिंदगी तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता है या देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। वो बोला कि जो जिंदगी तुम्हें मैं दूंगा, जो जिंदगी तुम्हें मैं देना चाहता हूं, जो मेरा रियल सौदा है, जो मेरा रियल चीज है, रियल मटीरियल है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम उसके लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो। और वो रियल ब्लेसिंग, वो रियल आशीष, वो रियल खाना, वो असल चीज जिसके लिए तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, वो है अनंत जिंदगी, वो है सदा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ये जो नाश होने वाला भोजन है, ये मैं एक बार कर दूंगा, हर बार ऐसे नहीं करता रहूंगा, ये जरूरी नहीं है। ये हाँ ओके, तुम्हारी जरूरत है, ये तुम्हें खाना चाहिए, इसके लिए काम करो, कमाओ, खाओ, ठीक है, लेकिन मेरे पास यही नहीं है। मेरा रियल सौदा, मेरी जो रियल ताकत मैं तुम्हें देना चाहता हूं, या रियल ब्लेसिंग मैं तुम्हें देना चाहता हूं, वो ये नहीं है। ये चीजें जो नाश हो जाएगी, जो भस्म हो जाएगी, जो खत्म हो जाएगी, ये मेरा असल सौदा नहीं है। मेरा असल सौदा जिसे मैं डिलीवर करना चाहता हूं तुम तक, वो है हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। तो इसके बाद क्या होता है, आप सारा आगे चैप्टर पढ़ना चाहें तो आप घर में बैठकर आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बाद प्रभु यीशु यहां पर प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि तुम नाशवान भोजन के लिए भाग रहे हो, अनंत जिंदगी के लिए भागो, हमेशा की जिंदगी के लिए भागो, मुझे कहो, मैं हमेशा की जिंदगी हूं, मैं हमेशा की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी मरेगा नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो प्रभु यीशु असल सच्चाई लोगों को बताने लगे, सच्चाई का प्रचार करने लगे। और जैसे ही प्रभु यीशु सच्चाई का प्रचार करने लगे, तो भीड़ जो कि खाना खाने वाली, भंडारों के पीछे दौड़ने वाली थी, आशीषों के पीछे दौड़ने वाली थी, वो कहने लगे, नहीं, ये तो काम गड़बड़ हो रहा है, ये तो चीजें हमारे उल्ट पुलट हो रही हैं, ये तो वो नहीं जो हम चाहते हैं, ये सब चीजें प्रभु हमें नहीं चाहिए, हमेशा की जिंदगी, अनंत की जिंदगी, सदा की जिंदगी आपके साथ बिताना, नहीं, इसे दूर रखो, ये हमें नहीं चाहिए। वचन में लिखा है कि वो सब के सब उसे छोड़कर भाग गए, वो सारे लोग, वो सारी भीड़ उसे छोड़कर भाग गई। और सिर्फ यही नहीं, फिर क्या हुआ, अभी जो वचन हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, वचन 66, वचन 66 है, 6 का, यहां पर क्या हुआ, यहां पर वचन पर ध्यान दे, एक एक वर्ड के ऊपर, वर्ड यहां पर ये है, इस पर उसके चेलों में से उसके जो चेले भी थे, उसके जो बड़े क्लोज भी थे, वो भी लिखा कि बहुत से, थोड़े नहीं कि थोड़े से कुछ लोग, बस गिने चुने को छोटी सी गिनती, नहीं, थोड़े से नहीं, वचन में लिखा कि बहुत से, मतलब कि काफी ज्यादा, बहुत सारी भीड़ थी, वचन में लिखा कि बहुत से उसके चेले उल्टे फिर गए और इसके बाद फिर इसके उसके साथ कभी ना चले। उन्होंने प्रभु यीशु को ठुकरा दिया, सिर्फ प्रभु यीशु को ठुकरा दिया, किस चीज के कारण, खाने के कारण, कि प्रभु यीशु उन्हें भोजन नहीं दे रहा है, ये प्रचार सुना रहा है, ये वचन सुना रहा है, ये कैसी कैसी बातें सुना रहा है, हमें ये बातें नहीं चाहिए, ये वचन नहीं चाहिए, वचन, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा ये वचन जिंदगी है, ये जो वचन मैं तुम्हें सुना रहा हूं, बता रहा हूं, ये जिंदगी है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें जिंदगी नहीं चाहिए,
अनंत काल की जिंदगी नहीं चाहिए, ये भोजन जो हमारी अभी की जरूरत है मुझे ये मिलना चाहिए, बस ये काफी है। और ये सारे के सारे लोग प्रभु यीशु को छोड़कर वचन में लिखा है कि चले गए, उससे फिर गए। लेकिन क्या प्रभु यीशु को इस बात का दुख लगा कि इतनी बड़ी भीड़, इतने लोग, 5000 से भी ज्यादा लोग थे वहां पर, ये सारे लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मेरा चर्च खाली हो जाएगा, कितने थोड़े से लोग बचेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, तो मैं किसको प्रचार सुनाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु को भीड़ की चिंता नहीं थी। सुने ध्यान से, प्रभु यीशु को भीड़ की फिक्र नहीं थी कि कितने लोग मुझे आ रहे हैं। प्रभु यीशु को इस चीज की परवाह नहीं है कि मेरे पास कितना बड़ा झुंड है, कितनी बड़े बड़े भीड़ लगी है। प्रभु यीशु को ये परवाह थी कि जितने भी हैं वो चाहे थोड़े हैं, मैं चाहता हूं कि ये सच्चे हों, ये रियल हों, ये जेन्युइन हों। प्रभु यीशु को, मेरे प्रियो, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, कितने कितने बड़े काम कर रहे हैं, कितना कितना प्रचार सुना रहे हैं, ओके, ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन बात ये जो प्रभु चाहते हैं वही है कि क्या ये जेन्युइन है, क्या ये सच्चाई से है, क्या ये रियल है प्रभु यीशु के लिए, सच में उसकी महिमा के लिए है। क्योंकि देखो, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हो सकता है आप भी जो प्रचार करने वाले हैं या वचन सुनाने वाले हैं, कलीसिया लगाने वाले हैं, इस बात के पीछे ना भागें कि हमारे पास बड़ी भीड़ हो, बड़ा तगड़ा YouTube चैनल हो, बड़ी बड़ी भीड़ हमारी मीटिंग्स में आए। नहीं, मैं भी कहता हूं कि भीड़ की जरूरत नहीं है, चाहे एक हो सुनने वाला, चाहे दो हो या 20 हो या 30 हो, चाहे थोड़े ही हो, लेकिन वो हो जो सच्चाई पर चलने वाले हैं, जो सीधा, बिल्कुल सीधा चलने वाले हैं, ये नहीं कि इधर या उधर, कभी इधर कभी उधर, नहीं, जो सीधा चलने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। और प्रभु यीशु ने जब इन्हें जाते देखा तो प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि रुको रुको रुको, हम तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम करते हैं, आजो आजो आजो, हम तुम्हें फिर से खाना खिलाएंगे, आजो हम अब जो प्रचार है वो आशीषों का प्रचार करेंगे, ये सख्त जो प्रचार है, नहीं, ये प्रचार हम बंद कर देंगे, आजो आजो। नहीं, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु को कोई परवाह नहीं है, ऐसे संसारिक लोग उसे नहीं चाहिए जो संसारिक आशीषों के पीछे भागते हैं, संसार की आशीषों को चाहते हैं, प्रभु यीशु को ऐसे लोग नहीं चाहिए। प्रभु ने कोई परवाह नहीं की, ठीक है तुम जा रहे हो, जाओ, क्योंकि तुम हमेशा की जिंदगी को नहीं चाहते हो, तुम वो चीजें चाहते हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, संसार की आशीषें, संसार की बरकतें, लेकिन जो रियलिटी जिसकी तुम्हें जरूरत है, जो सच में तुम्हारी जरूरत है, वो तुम नहीं चाहते हो, उसके लिए तुम परिश्रम नहीं करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हो। इसके बाद प्रभु यीशु फिर अपनी चेलों की तरफ मुड़ते हैं, वो जो 12 चेले थे, प्रभु यीशु उनकी तरफ मुड़ते हैं, वो जो पत्रस, एंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बार्थोलोमियो, थॉमस, प्रभु यीशु इनकी तरफ मुड़े और इन्हें क्या कहा, ओके, देखें यहां पर वचन में, वचन 67, ओके, लिखा है यहां पर, प्रभु यीशु कहते हैं, तब यीशु ने उन 12 से कहा, वो 12 जिसके क्लोज थे, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, क्या तुम भी जाना चाहते हो? ओके, ये भीड़, ये लोग मुझे छोड़कर चले गए, इन्हें खाना चाहिए था, इन्हें संसार की आशीषें चाहिए थी, इन्हें अनंत जिंदगी का कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, इस कारण ये बहुत बड़ी भीड़ मुझे छोड़कर चली गई है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आप भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? अगर आप भी जाना चाहते हो तो जाओ। अगर तुम भी संसारिक आशीषों के पीछे भाग रहे हो कि मैं तुम्हें संसारिक आशीषें देता रहूंगा, आशीषें संसार की देता रहूंगा, तो प्लीज यू कैन गो, लीव मी अलोन, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन अब पतरस जान चुका था, उसके सच्चे चेले जो उसके साथ, जो रियल डिसाइपल है, जो सच्चे मसीह यीशु के चेले हैं, जो सच्चाई को जानने वाले हैं, वो जानते हैं कि प्रभु यीशु के पास असल आशीष है। और वो असल आशीष क्या है, पतरस यहां पर कहते हैं, शिमोन पत्रस, 68 वचन 68 यहां पर लिखा है, शिमोन पत्रस ने उसको कहा, उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं, अनंत जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। प्रभु, हम किसके पास जाएं, किसको माने, किसका दरवाजा खटखटाएं, हम किस किस कहां है हमारी उम्मीद, कौन हमारी सुनेगा, कहां पर हमारी उम्मीद है, कौन है तेरे सिवाय? वो कहते हैं कि जिंदगी की बातें, ये जो बातें हैं तेरी, इन लोगों के लिए ये बोरिंग है, इन लोगों के लिए जो संसारिक आशीषों के पीछे भागने वाले हैं, इन लोगों के लिए ये ऐसा स्टफ है, ऐसी चीजें हैं जो उन्हें खुश करने वाली नहीं है। लेकिन हम जानते हैं, हम सही से पहचान गए हैं कि ये जो तेरी बातें हैं, जो तू कह रहा है, ये हमेशा की जिंदगी की बातें हैं, ये जिंदगी की बातें हैं, वो खाना आज है, कल गया, खत्म, वो एक दिन भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो तेरी बातें हैं, ये जिंदगी की बातें हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आगे वो कहते हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं, हमने ये विश्वास किया है,
हमने ये विश्वास किया और जान गए हैं। हमने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु नाम की कोई चीज़ है, हम उसे मानते हैं, क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये पत्रस कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया है, हम जान गए हैं, हम जान गए हैं, हमने सच्चाई को जान लिया है। हमने सच्चाई, वो सच्चाई जो अभी भी बहुत सारे चर्च जाने वालों से छिपी हुई है, जो अभी भी बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों से छिपी हुई थी, ये जो बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे आ रही थी, जिन्होंने इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार देखा है कि जहां से 2 मछलियों और 5 रोटियों से 5,000 लोग खाना खा गए, प्रभु इन लोगों ने सच्चाई को फिर भी नहीं जाना। इन्होंने चमत्कार देखे, बड़ा कुछ देखा, लेकिन सच्चाई फिर भी इनसे छिपी रही, इनकी आंखों पर पर्दा है। क्यों? क्योंकि ये संसार की आशीषों के पीछे भागने वाले लोग हैं। लेकिन हम सच्चाई जान गए कि तू कौन है, हम जान गए हैं। लिखा है पौलुस पत्रस कहता है कि हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है, कि परमेश्वर का असली बेटा जन तू ही है। हम ये जान गए हैं, हमें ये सच्चाई मालूम हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु यीशु के अद्भुत चमत्कारों को देखकर क्या सिर्फ अभी भी संसार के आशीषों के पीछे भाग रहे हो कि मुझे ये मिल जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, या फिर आप सच्चाई को जान गए हैं कि असल जिंदगी, हमेशा की जिंदगी कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के पास ही है। संसार की आशीषें, संसार की बरकतें, पैसा, धन, दौलत आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी दे देगा, कहीं से भी आपको हासिल हो सकता है, लेकिन रही बात हमेशा की जिंदगी की, वो मसीह यीशु के सिवाय कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं।